हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। फाइनली यहां पर iOS 18 का पब्लिक बीटा 5 का जो नया अपडेट है वो बहुत जल्द आपके आईफोन में देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस अपडेट को डाउनलोड करने से पहले क्या क्या बातें गाइस आपको याद रखना है, और कि जो पिछले अपडेट है यानी कि बीटा 4 में काफी सारी जो बग्स है वो भी देखने को मिली है, तो ये अपडेट डाउनलोड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए या फिर राइट नाउ बीटा 4 पर ही आपको रहना चाहिए, सारी बातें आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल टेक रस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर आईफोन और आईओएस अपडेट के लिए आप हमारे चैनल टेक रस को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि iOS 18 पब्लिक बीटा 5 आप लोगों को डाउनलोड करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। तो गाइस मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं, अभी जो अपडेट है वो रिलीज हुआ है तो आप यहां पर थोड़ा इंतजार कर लो, विद इन 24 आवर्स के गाइस बाद ही आप जो अपडेट है उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि गाइस यहां पर काफी सारे आईफोन में बैटरी ड्रेन, काफी सारे ग्रीन स्क्रीन इश्यू और भी काफी सारे जो बग्स है वो देखने को मिल जाती है। ग्रीन स्क्रीन का कई जो इश्यू है वो काफी सारे आईफोन में अभी राइट नाउ देखने को मिल जाता है, बट ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि आपके आईफोन में आएगा या फिर मेरे आईफोन में आएगा। गाइस कोई भी आईफोन में आ सकता है, अगर आपका जो आईफोन है वो अंडर वारंटी में है तो गाइस आप डेफिनेटली iOS 18 पब्लिक बीटा 5 को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज गाइस आप हमारी वीडियो या फिर और कोई यूट्यूबर की वीडियो देखने के बाद ही अपना जो अपडेट है उसको डाउनलोड कीजिएगा। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले iOS 18 की बग्स की। तो यहाँ पर प्रीवियस अपडेट यानी कि बीटा 4 में कंट्रोल सेंटर में बग्स देखने को मिल जाती है, क्योंकि वो है गाइस यहाँ पर अपना लेआउट चेंज हो जाता है। अब जब भी अपना कंट्रोल सेंटर को आप कस्टमाइज करेंगे और अपना जो डिवाइस को रिस्टार्ट करेंगे तो आपका पूरा चेंजिंग किया हुआ कस्टमाइजेशन कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और पूरी तरह से गाइस यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो लेआउट है वो बिगड़ जाएगा, अगेन आपको सेटअप करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पर नेक्स्ट इश्यू की बात करें जो कि वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है क्लॉक में। यहाँ पर प्रीवियस अपडेट में ही मैंने आपको बता दिया था कि मेरे आईफोन के होम स्क्रीन पर जो क्लॉक का इश्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मेरा होम स्क्रीन का क्लॉक देखने को नहीं मिलता है। बट काफी सारे यूजर को गाइस यहाँ पर लॉक स्क्रीन में भी इश्यू देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पर जो सेंटर क्लॉक होना चाहिए वो यहाँ पर हट के कुछ यहाँ पर लेफ्ट साइड हो चुका है। एक नहीं काफी सारे यूजर्स ने मेरे को बताया कि जो उसका क्लॉक लेआउट है वो पूरा चेंज हो जाता है, हालांकि देखने में तो काफी सही है बट बग्स तो बग्स ही है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो म्यूट का ऑप्शन है आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर जो म्यूट का ऑप्शन है वो कुछ देखने को नहीं मिलता है। कोई भी वीडियो अगर मैं फोटोज ऐप में प्ले करूँ तो मैं म्यूट भी नहीं कर सकता हूँ। गाइस प्रीवियस अपडेट का भी बग्स है वो अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, और यहाँ पर काफी सारे यूजर को फेवरेट कॉन्टेक्ट में भी इश्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, जैसे कोई 105 वाला कॉन्टेक्ट रिमूव करेगा वापस रिफ्रेश हो जाएगा और गाइस अगेन ये फिर से यहाँ पर शो करेगा। अगेन यहाँ पर आप चेकआउट करना, 105 का कॉन्टेक्ट रिमूव किया तो अगेन विद इन 1 सेकंड में वो फिर से कॉन्टेक्ट वापस आ जाता है। तो ये काफी सारी बग्स है वो आप लोगों को iOS 18 में देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली अब बात कर लेते हैं क्या आप लोगों को iOS 18 बीटा 5 को डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ iOS 18 में कैसे आपका बैटरी ड्रॉप कितना देखने को मिलता है। तो अभी तक iOS 18 बीटा 1 से लेकर बीटा 4 तक मेरा जो यहाँ पर बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है वो गाइस यहाँ पर 5% के आसपास है। बीटा 1 के दौरान गाइस मेरा यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी था 94%, बट अब बीटा 4 आते आते और बीटा 5 आते आते 89 हो चुका है। पिछले दो iOS अपडेट से गाइस यहाँ पर अपडेट मेरा 1 बैटरी ड्रॉप है वो देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपका बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है या फिर नहीं। अगर बात करें यहाँ पर हीटिंग इश्यू की तो गाइस हीटिंग इश्यू का कोई भी दिक्कत अभी तक यहाँ पर मेरे आईफोन में देखने को नहीं मिला है, और मेरे यहाँ पर काफी सारे यूजर को भी अभी तक हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिला है। ग्रीन स्क्रीन का इश्यू जैसे मैंने आपको आगे बताया कि ग्रीन स्क्रीन का इश्यू प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि आपको आएगा या फिर मेरे को आएगा, तो वो तो गाइस काफी मुश्किल वाली बात। अब बात करें यहां पर iOS 18 पब्लिक बीटा 5 डाउनलोड करना चाहिए या फिर अभी भी वेट करना है। इस वीडियो को अपलोड हो जाने के बाद गाइस मैं आफ्टर 24 आवर्स बीटा 5 रेगुलर यूज करूंगा अपने फोन में, मेरे पास है आईफोन 14 प्लस, और गाइस उसके बाद आप लोगों को एक और वीडियो अपलोड करके बताऊंगा बीटा 5 में क्या क्या फीचर्स आए हैं और गाइस क्या आप लोगों को डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं। तो डेफिनेटली अभी 24 आवर्स वेट कर लो, उसके बाद ही गाइस अपने डिवाइस में कोई नया बीटा अपडेट डाउनलोड करना। अगर गाइस आने वाला बीटा 5 का रिव्यू देखना है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल टेक रस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अदरवाइज जो नया वीडियो आएगा तो आप यहां पर वॉच करना भूल जाओगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेक रस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।